मूवी के स्टार्ट में हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम फ्री सिटी होता है और उस सिटी में सब कुछ फ्री होता है। अब हम देखते हैं कि एक प्लेयर होता है जो कि एक अननोन लड़के की कार पर लैंड करता है और उसके पीछे काफ़ी पुलिस लगी होती है और वो सिटी के अंदर बहुत तेज़ी से कार चला रहा होता है और फिर वही लड़का कार से ड्रिफ्ट मारते टाइम गन निकाल लेता है और उस गन से पुलिस को शूट करने लगता है और ये ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इसे टास्क दिया गया होता है और इस सीन के बाद हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाती है और दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मल तरीके से जीता है और उसका नाम होता है फ्री गाय और ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है जो कि बहुत इनोसेंट होता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और एक छोटे से घर में रहता है और इसका डेली रूटीन कुछ ऐसा था, अपनी अलमारी से कपड़े निकालना जो कि बिल्कुल एक जैसे होते थे, अपनी फिश से बातें करना, नाश्ते करते टाइम टीवी देखना और उसके बाद सीधा बैंक चला जाता था और रास्ते में अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीता था और उसे कंपनी देने के लिए उसका फ्रेंड जो कि उसी बैंक में गार्ड की नौकरी करता था वो आ जाता था और ये दोनों साथ में बैंक जाते थे। और जब ये दोनों बैंक पहुंच जाते हैं तो वहां पर रॉबर्स आ जाते हैं जो कि इनके लिए डेली का था। बैंक में रॉबर्स आते थे, पैसे लेके चले जाते थे। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से दिखने वाले आदमी से कुछ वीडियो क्लिप तक पूछने का मैप ले रही होती, मगर वो मास्क वाला आदमी उससे बहुत सवाल कर रहा होता है और वो लड़की उससे मैप लेने के बाद उसे गोली मार देती है। और ठीक नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि फ्री गाय और उसका गार्ड फ्रेंड दोनों एक साथ बैंक से निकल रहे होते हैं और फिर फ्री गाय को वही लड़की सामने से आ रही होती उसे दिखती है। फ्री गाय को उससे लव हो जाता है और उसका दोस्त उसे समझा रहा होता है कि वह उस लड़की से बात ना करे क्योंकि वो लड़की गॉगल्स लगा रखती है, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो लोग गॉगल्स लगाते हैं वो लोग बेहद ही अमीर होते हैं और वो नॉर्मल लोगों से बात नहीं करते हैं। तो इस तरह से फ्री गाय का उस लड़की से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता था, मगर फिर भी फ्री गाय उस लड़की का पीछा करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। और इसके बाद पता चलता है कि यह तो एक वीडियो गेम है। फिर मूवी में नेक्स्ट डे से सेम चीज़ दिखाया जाता है, फ्री गाय कॉफ़ी लेके बैंक जाता है और वहीं फिर से रॉबर्स आते हैं और रॉबरी करके चले जाते हैं भाई। लेकिन जब फ्री गाय फ्लोर पर लेटा हुआ होता है तभी उसे वही लड़की दिख जाती है, वो उठ के जाने लगता है और जब वो उठता है तो जो रॉबर्स लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं उसे वापस उसी जगह लेट जाने के लिए, मगर वो उनसे गॉगल्स मांगता है और वो नहीं देते। फिर उन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है और वो रॉबर मर जाता है और फ्री गाय गॉगल्स लेके वहाँ से निकल जाता है और गॉगल्स मिलने के बाद वो उस लड़की के पीछे निकल जाता है, मगर हाथापाई के दौरान फ्री गाय को चोट लग जाती है और जब वो उस गॉगल्स को लगाता है तो उसे अपने आसपास की पूरी जगह एक वीडियो गेम की तरह लगने लगती है और जब वो साइड में देखता है कि वहाँ पर एक मेडकिट पड़ी होती है तो वो उसे जाके टच करता है और पूरी तरह से सही हो जाता है और फिर जाके वो उस लड़की से मिलता है और फ्री गाय को पता चलता है कि ये एक वीडियो गेम है और इसमें कैसे लेवल अप करनी है, ये सब चीज़ें उसे वो लड़की बता देती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।